हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में मैंने जब आपको गीजर से पानी गर्म करके दिखाया और ये भी दिखाया कि 8 घंटे तक पानी गर्म रहता है, तो एक व्यूअर ने मेरे कमेंट किया कि उनको अमेजन पे रिव्यू मिले हैं कि एक बार नहाने के बाद में जो पानी होता है वो जल्दी ठंडा होता है। तो आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। तो अभी देख जैसा कि आप देख सकते हैं गीजर पे हीटिंग बंद है, तो अभी मैं नहाऊंगा और उसके बाद आपको ये भी नहाने के पहले के पानी का टेम्परेचर और नहाने के बाद का पानी का टेम्परेचर दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद लगभग तीन घंटे के लिए मैं गीजर को स्टैंड बाई पे भी छोड़ दूंगा, कोई यूज़ नहीं करेगा। तो वो भी आप देख सकते हैं कि 3 घंटे के अंदर पानी कितना ठंडा होगा या कितना गर्म रहेगा, ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस समय करेंटली पानी कितना गर्म है और ठंडे पानी का टेम्परेचर क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हीटिंग बंद है और जो पानी का टेम्परेचर मीटर है आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो मैं इसका स्विच बंद कर देता हूँ और अब ये 4-5 घंटे तक बंद ही रहेगा जब तक कि मेरा वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। और अब हम सबसे पहले ठंडा पानी ले लेंगे एक जग में। तो ये मैं ठंडा पानी ले रहा हूँ और अब इसका हम अगर टेम्परेचर नापें तो आप देख सकते हैं कि जो ठंडे पानी का टेम्परेचर है, देखिए ये 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड है इस समय ठंडे पानी का टेम्परेचर। और अब हम गर्म पानी का भी टेम्परेचर नाप लेते हैं। अब हम गर्म पानी भी ले लेते हैं और गर्म पानी का भी टेम्परेचर नाप लेंगे। आप देख सकते हो कि पानी से कितना भाप निकल रहा है इस समय। तो आप देख सकते हैं कि गर्म पानी का जो टेम्परेचर है वो 74 से ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो हैवेल्स का वैसे भी कहना है कि ये मैक्सिमम 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म करता है। तो अभी इस समय इसका जो टेम्परेचर है वो 73 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोस्तों, जैसा कि अमेजन के रिव्यूज़ पे मेरे व्यूवर ने बताया कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार नहाने के बाद पानी ज़्यादा ठंडा होता है, तो अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। या एक पर्सन के नहाने के बाद पानी ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, तो अभी मैं नहा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको इस गीजर के अंदर पानी का टेम्परेचर क्या रहेगा वो दिखाऊँगा और फिर 3 घंटे बाद का भी दिखाऊंगा कि 3 घंटे बाद पानी कितना गर्म रहता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे हैवेल से कोई पैसा नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अगर इसमें पानी ठंडा हो जाएगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, और गर्म रहता है तो वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं नहा चुका हूँ, मैं नहाया हूँ, कपड़े धुला हूँ और उसके बाद रेडी हुआ हूँ। इन सारे प्रोसेस में मुझे 25 मिनट लगे हैं और थोड़ा सा अंदाज़ा ज़्यादा लग सके कि लोग कितना पानी यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा आज ज़्यादा ही पानी यूज़ किया हुआ है, गर्म पानी का यूज़। तो अब हम देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले तो आप गीजर के ऊपर देख सकते हैं कि पहले जो टेम्परेचर मीटर पे रीडिंग यहाँ पे थी, इस समय यहाँ पे है। तो अब हम इस गर्म पानी का टेम्परेचर नापते हैं। तो क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पानी भी यूज कर लिया है, तो मेरे ख्याल से इस समय 45 डिग्री के आसपास पानी का टेम्परेचर आना चाहिए, इस पानी का टेम्परेचर। तो अभी जैसे देख सकते हैं 39 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, 39.2 डिग्री सी टेम्परेचर इसका आ रहा है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर के 39 डिग्री सी टेम्परेचर आया है। मेरे नहाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके जो पानी का टेम्परेचर है 39.2 डिग्री सी टेम्परेचर है और 25 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं गीजर को बंद किए हुए। तो अभी हम इसको स्टैंड बाई पे छोड़ देते हैं और 3 घंटे बाद फिर मैं चेक करूँगा
आपको उसके बाद बताऊंगा कि पानी का टेम्परेचर कितना है। जैसा कि अमेजन के रिव्यू में लोगों ने कहा है कि 1 से 2 घंटे के अंदर ही पानी ठंडा हो जाता है, तो हम देखते हैं कि 3 घंटे बाद इस पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ठंडे पानी और गर्म पानी के मिक्सअप की वजह से भी पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। पानी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड अभी है, जो कि यूज किया जा सकता है। अभी भी चाहें तो 1 लोग आराम से नहा सकते हैं। तो दोस्तों 3 घंटे 10 मिनट बीत चुके हैं और अब हम चेक करते हैं कि इस गीजर के अंदर में जो पानी है वो कितना गर्म है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसका टेम्परेचर मीटर कहाँ पर है, जो मेरे ख्याल से ये 25 से 30 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर इसमें आना चाहिए। तो आइए एक मग्गे में गर्म पानी निकालते हैं और देखते हैं कि पानी कितना गर्म है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस समय जो पानी का टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उस समय जब हमने देखा था तो उस समय पानी का टेम्परेचर, जब हमने ये वीडियो बंद किया था तो उस समय 39 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो 3 घंटे में जो पानी का टेम्परेचर है वो 4 से 4.5 डिग्री का फर्क आया है इसमें, और अभी भी ये पानी जो है हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तो गुनगुना कह सकते हैं, जैसे कि बहुत लोग पीना प्रीफर करते हैं, तो हल्का ही गर्म है, लेकिन इतना है कि आप इससे नहा सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि पानी का टेम्परेचर अभी भी इतना है कि इससे आप नहा सकते हैं, यानी कि इससे एक चीज़ तो पता लग गई कि अगर आपको इसको ऑन नहीं करना है तब भी इसको, एक बार पानी गर्म हो गया तो कम से कम 2 लोग तो आराम से नहा सकते हैं। पर दोस्तों एक बात हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें से मैंने लगभग 2.25 लीटर का पानी 3 बार में निकाला है, जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वाटर का टेम्परेचर नापने के लिए निकाला है, और मैं नहाया भी था। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि ठंडा पानी कैसे गर्म पानी को अफेक्ट करता है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर ठंडे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और गर्म पानी की क्वांटिटी कम होगी तो पानी ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद भी अगर टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मतलब इसमें पानी जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है, और इसका जो PVF इंसुलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों मेरा जो पिछला वीडियो था बेस्ट स्टोरेज गीजर का, उस कंपेरिजन वाली वीडियो में मैंने जो बताया है कि 5 लीटर का हॉट वाटर जो है वो आइडियली मान लिया जाता है कि एक पर्सन को नहाने के लिए 5 लीटर हॉट वाटर चाहिए होता है, वो मैंने गलत बता दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो तो जब भी हम, जैसे कि जब हमारे पास गीजर नहीं होता है और हम पानी गर्म करते हैं हीटिंग रॉड से, जिसको इमर्सन रॉड भी बोला जाता है, तो उससे हम लगभग इतना पानी गर्म करते हैं, जैसे ये 15 लीटर की बाल्टी है और इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, जो कि इस समय मेरे ख्याल से लगभग 11-12 लीटर पानी होगा, इसमें 12 लीटर के आसपास पानी है। तो एक पर्सन को नहाने के लिए तो जो हम गर्म पानी हम लोग यूज करते हैं वो कम से कम 10 से 15 लीटर तक पानी यूज करते होंगे। तो आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 15 लीटर गर्म पानी के अंदर में 3 से 4 लोग कैसे नहा सकते हैं। तो ये जो कंपनियां मेंशन करती हैं कि 15 लीटर का गीजर जो है वो 3 से 4 लोगों के लिए सफिशियंट है, वो इस आधार पे करती हैं कि जब आप नहा रहे होते हैं तो उस समय भी गीजर का पानी का जो पावर का कनेक्शन ऑन रहे और पानी गर्म होता रहे। तो 3-4 लोग जब तक अगर एक साथ नहाएंगे, मतलब एक के बाद एक करके भी नहाएंगे 4 लोग, तो गीजर में सफिशियंट पानी गर्म हुआ रहेगा, ताकि जो चौथा पर्सन है वो भी आराम से नहा सके। तो पानी ठंडा रहता है या गर्म रहता है, जैसा भी रहता है, मैंने आपको डायरेक्ट लाइव आपको इस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी वर्डिक्ट यूज कर सकते हो, ये गीजर अच्छा है या खराब है, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है
या कोई शिकायत है तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।